चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड कर लो क्या कह रहा है। ये नीट में आया हुआ है 2019 में, उड़ीसा सैंपल। अच्छा, अ पर्सन ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी वन फॉर सर्टन डिस्टेंस एक्स एंड विथ अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी टू फॉर द नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस, द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द रिलेशन। देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन से ज्यादा जो है कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी है वो यहां से चल रहा है, ठीक है, ए पोजीशन से चलना शुरू कर रहा है, बी पे पहुंच रहा है, ठीक है। ए की जो डिस्टेंस है वो एक्स है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और वो वी वन जो है वेलोसिटी से चला, फिर बी से चला सी तक। बी और सी की डिस्टेंस भी सेम है, एक्स है। देखो इक्वल डिस्टेंस बोल रहा है ना, इक्वल डिस्टेंस बी से सी की, और इस ड्यूरेशन में वेलोसिटी कितनी है, वी टू है, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी ए से बी तक की कांस्टेंट वेलोसिटी थी, बी से सी की वेलोसिटी कांस्टेंट है। अच्छा, अगर मान लेते हैं यहां टाइम लगा टी वन और अगर यहां टाइम लगा टी टू, तो क्वेश्चन में कह रहा है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट एक्स प्लस एक्स, ठीक है। टोटल टाइम कितना हुआ, टी वन प्लस टी टू, करेक्ट। अच्छा अब जरा देखो, पहली जर्नी, ये जर्नी नंबर वन है, ये जर्नी नंबर टू है, ए से बी जर्नी नंबर वन, ए से बी जर्नी नंबर वन। यहां पर अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, वी वन इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी वन, और बी से सी की जर्नी को जर्नी नंबर टू कह दो, इसमें वेलोसिटी वी टू इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी टू। अच्छा अब इस वैल्यू को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, उधर भेजूं, ठीक है, ध्यान से सुनना, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं और वी वन को इधर लाऊं, तो टी वन इज इक्वल टू एक्स अपॉन वी वन होगा। सिमिलरली इसको इधर ले जाऊं, इसको इधर लाऊं, तो टी टू इज इक्वल टू एक्स अपॉन वी टू होगा। ये टी वन की वैल्यू और ये टी टू की वैल्यू मैं उठा के इसमें इस फॉर्मूले में रखने जा रहा हूं। देखो ये हो गया टू एक्स अपॉन वी वन प्लस एक्स अपॉन वी टू, एक्स यहां से कॉमन हो जाएगा, टू एक्स अपॉन एक्स ब्रैकेट में वन अपॉन वी वन प्लस वन अपॉन वी टू, सही है, एक्स कट गया ये, तो मैं एक बार फिर से यहां लिख दे रहा हूं, स्पेस जहां है वहां लिखूंगा। वी एवरेज इज इक्वल टू क्या है, टू अपॉन वन अपॉन वी वन प्लस वन अपॉन वी टू। वी एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, टू अपॉन एलसीएम वी वन वी टू, एलसीएम ले लिया, ठीक है, वी टू प्लस वी वन होगा। तो वी एवरेज की वैल्यू कितनी आ गई, टू वी वन वी टू अपॉन, ये पूरा ऊपर चला जाएगा, वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू, सही है। तो अगर आपका दो जर्नी है और दोनों में सेम डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी v1 और v2 से, तो एवरेज का फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। एवरेज का फॉर्मूला वो नहीं होगा जो हम लोग जनरली जानते हैं नॉर्मली एवरेज का, कि v1 प्लस v2 बाई 2। ये कब होता है, v1 प्लस v2 बाई 2 कब यूज होता है, जब दो जर्नी हो, a से b तक आप गए, a से b तक गए, ये डिस्टेंस x1 है, आपने t टाइम में ट्रेवल किया, वेलोसिटी v1 थी, दूसरी जर्नी आपकी सी तक आप ट्रेवल किए, डिस्टेंस है x2, डिस्टेंस डिफरेंट है लेकिन टाइम सेम है, इसमें यहां से यहां तक में भी टी लग रहा है, यहां से यहां तक में भी टी लग रहा है। इस सिनेरियो में, ये सिनेरियो नंबर नंबर टू है या केस नंबर टू है, उसके लिए आप एवरेज फॉर्मूला का ये फॉर्मूला यूज करोगे एवरेज के लिए। जबकि ये फॉर्मूला कब यूज होता है, जब दो जर्नी की डिस्टेंस सेम हो, ये पॉइंट याद रखना है, ये मैंने बस एड ऑन कर दिया है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।